हम आज पहुंचे हैं फाजिलका उपमंडल के गांव हीरावाली, जहां पर पिछले लगभग 20-21 दिनों से नेशनल हाईवे नंबर 10 को बंद करके बैठे किसान यूनियनों द्वारा पंजाब के स्पोर्ट्स मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली गई और नारेबाजी करी गई और कहा गया भी जब तक पंजाब सरकार हीरावाली में लगने वाली शराब फैक्ट्री को बंद नहीं करेगी यह धरना इसी तरह चलता रहेगा और सरकार का विरोध हम करते रहेंगे। और क्या कहा गया ये सब जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखें। अगे लैके जाना प्राप्ति जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, साडा एकता जिंदाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, राणा सोढी मुर्दाबाद। सरकार कर दिया की मैं जी तुहाडा सिंगर राणा मान पिंड चौड़खेड़ा डिस्ट्रिक्ट फाजिलका और कनेडा तो मैं सब तो पहला तो जी पिंड हीरावाली दे विच जो सरकार एक शराब की फैक्टरी लाने जा रही है असी उहदे विरोध विच आजाद किसान मोर्चा जिन्हां दे प्रधान मनोज कुमार गुदारा जी और बाकी सारी ही लीडरशिप जिहड़ी जत्थे दी बंदी दी जी असी पहुंचे हाँ जी। और ये जो फैक्टरी सरकार लाने जा रही है जी अगे साडे इलाके दे फैक्टरियां बहुत ने जी और प्रदूषण बहुत है। दूसरी गल है जी ये किसानों तो धक्के नाल जिदा जमीन रिक्वायर कराई जा रही है जां जो भी है शराब का जो नैगेटिव पॉइंट ने वो तुहानू सारयां नू पता है जी। साडियां भैणां बीबियां सड़क दे उत्ते बैठियां जी धरना ला रही ने और भाई भी सारे बैठे है जी। इस करके ये शराब की फैक्टरी जिहड़ी असी उहदे विरोध विच पिंड हीरावाली पहुंचे हाँ और जिन्नी देर तक ये शराब फैक्टरी इतों खत्म नहीं होजूगी जां इतों इहदा रिजैक्ट नहीं होजूगी असी उन्नी देर ये हीरावाली पिंड वालियां दा आजाद किसान मोर्चे की तरफों और मैं अपनी सिंगर राणा मान आल इंडिया सिंगर ग्रुप प्रधान वालों इन्हों का समर्थन करते रहेंगे जी और शराब की फैक्टरी इतों चुका के हटांगे। अशोक प्रधान पिंड डंगरखेड़ा आजाद किसान मोर्चा की तरफ तो अज मैं काफिला लेके मैं ते मनोज कुमार इतने पहुंचे हाँ। तो ये फैक्टरी जी शराब फैक्टरी है जो हीरावाली लग रही है असी इस फैक्टरी असी इतने नहीं लगन देंगे। साडे किसान का बेटा हमें किसानी का नाते असी इतने पहुंचे हाँ। ये जी फैक्टरी है जी ये साडे नेड़े नेड़े 29 पिंडां इन्ना नुकसान कर सकती है हद से ज़्यादा। ये जे फैक्टरी लगाना कोई मंत्री लगाना चाहता है तो आपके एरिए लिजा सकता है उत्थे इत्थे असी फैक्टरी नहीं लगन देंगे। डब्बाली सीतो रोड पर नहीं देखो सरपंच निर्विरोध बनाए मैंने भी फिर ब्लाक अबोर सरपंच यूनियन को प्रधान तो साहब जो किसानी आंदोलन वो संघर्ष चालू हो क्यों मैं सीढ़ी वाई सीढ़ी आदमी आगे चाल बोक रहे क्यों मैं समस्या जमींदार ने आंदी रही पहला मैं कानून आली लड़दा आदि थर फैक्ट्री आलो आ गए त्रोलो पड़ गयो तो आ बातें खातर अपने नेड़े तेड़े कोई किसान जत्थेबंदी इसी ही को नहीं जकी किसानों की आवाज उठावे का तो डूंगा पंजाब की है का उन्हें डूंगा हरियाणा की है जबकि को सारे में प्रयास हो रहा है भाई जमींदार गए किसान गए मजदूर गए समस्या है तो पहुंचा पर चाहते हुए भी दूरी दे के पहुंची जा को नहीं तो अपने ब्लैक की अबोर की डिस्ट्रिक्ट फाजिलका की आजाद किसान मोर्चे नामो किसान जत्थेबंदी बनाई है यूनियन बनाई है मैं परसों सबू भी ताया जब भाई साहब बोला गया आज बोल लो के महंगो आज मेरा गया आदमी को नहीं एक लो एडो पर छुआ थारी आदमी पर छू लगाऊ लेट आ थोड़ा माफ करियो क्यों क्योंगा मैं यूनियन सी बनाने में लाग रहा बाकी थारो मारो साथ
जित किसान ने समस्या आई भी तो मनोज गोदारो खड़े रही आजाद किसान मोर्चो खड़े रही देखो जे शराब की बात करा नशे की बात करा तो मेरे परिवार को ज्यादा आई चीज को भुगत भोगी कोई नहीं है क्यों सन 1992 में मेरे पिताजी ने मेरे ही सागन ताऊ दारू पीड़े गोली मार दी और सब मोटो नुकसान है सारे पहला जे दारू पीड़ो किमो नुकसान करे मां बहन को नुकसान करे अन्य सारी दिहाड़ी दिन भर रात आऊ मत मारना पड़े क्यों परिवार ने लुगाई संभाले सब आदमी कौन संभाले आदमी तो दिनों का बात पीती हो जे लारे माँ बहन बेटी बुआ मौसी ना आवे तो घर एक दिन कौन चले आज अपने आगे बैठा है कोई वजह जद बैठा है तो जुकर तीन काला कानून कौन सी या बे थोपे जो या फैक्ट्री कौन सी है बाबा खेड़ो छुड़ाओ माने कौन सी है ना माने आएगा फायदा चाहिए क्यों क्यों मैं छह छह साल का जब दारू का फायदा देखने लगा तो मेरी हमने जित भी मारे आजाद किसान मोर्चे की लोड़ वे जका भी स्टेज का संचालक है धरने का आगुवान है मरते दम तक सारे हागे खड़िया जी लिखा लियो बावे सारे हागे खड़िया सारे पहला खड़िया जित लोड़ वे एक फोन कर दियो साहब जिसा था दिशा का दी रात हाजिर अच्छा ज्यादा टाइम लिया कोनी जय जवान जय किसान। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।